मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। हमने 17 तक कवर कर लिया था, जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था, आप देख सकते हो। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो 18 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है, 9 न्यूज़ है जो कवर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे पहली न्यूज़ है आयुष्मान भारत। रिसेंटली ABPMJ सेहत स्कीम जो लॉन्च हुई थी, उसने एक्सटेंड करा है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जितने भी रेजिडेंट हैं आपके JNK के, उनकी तरफ। ये ऑपरेट करता है इंश्योरेंस मोड पे और कन्वर्ज करता है PMJ के साथ, जो कि पोर्टेबल होगा अक्रॉस द कंट्री। ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है। पहला है कि अचीव करना है इसका विजन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। सेकंड है SDG गोल को मीट करना है और यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ना पीछे। इसके अलावा सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये फ्लैगशिप स्कीम जो रिकमेंड हुई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर हुई थी, और उसका जो विजन था जो हमने देख लिया है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये इनिशिएटिव डिज़ाइन इसलिए हुआ था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करें और जो कमिटमेंट है कि लीव नो वन बिहाइंड। इसका एम ये भी है कि एक पार्ट ब्रेकिंग इंटरवेंशन है, होलिस्टिकली एड्रेस करता है हेल्थ केयर सिस्टम को, जो कि कवर करता है प्रिवेंशन, प्रमोशन और एम्बुलेटरी केयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे। दो इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWC और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। HWC फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, यहाँ पे जो फंड आएगा नेशनल हेल्थ मिशन का वो उसके थ्रू आएगा, और इसका एम यही है कि कॉम्प्रिहेंसिवली प्राइमरी हेल्थ केयर को देखे, जो कि कवर करता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें फ्री एसेंशियल ड्रग्स आएंगे और डायग्नोस्टिक सर्विस आएगी। PMJ के अंडर जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 2018 में लॉन्च हुई थी, मतलब 3 साल पहले। लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में, इससे पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम थी। और ये हाउस होल्ड इंक्लूड करता है जो लोग डिप्राइव है और ऑक्यूपेशनली क्राइटेरिया जिसका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का है उसके बेसिस पे इसका डेटा है, जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए है। ये सब्स्यूम करता है बड़ी सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि लॉन्च हुई थी 10 साल, मतलब इस स्कीम से 10 साल पहले 2008 में, तभी ये कवर करती है फैमिली जो RSBY में आती है। बट प्रेजेंटली वो 2011 का डेटा, क्योंकि 2008 में आई थी तो उससे पहले का डेटा पे चलती थी, आज के टाइम पे जो ये स्कीम है ये 2011 के डेटा पे चलती है। PMJ फुली फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखो कि कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंटर और स्टेट दोनों देखता है, यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी है जो उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है EWIN, जिसने यूज़ करा है रिक्वेस्ट कस्टमाइजेशन कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, जो इंश्योर करता है कंटिन्यूस एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, प्रोटेक्ट करता है जितने भी चिल्ड्रंस हैं, प्रेगनेंट वुमेंस हैं, और ये फाइट करता है अगेन प्रिवेंशियल डिजीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करता है चाइल्ड की और मैटरनल की मोर्टैलिटी, प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, जिसमें लोकली एंडेमिक डिजीज आती हैं। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस है, रिवाइटलाइज करता है लोकल हेल्थ ट्रेडिशन को और मेन स्ट्रीम करता है आयुष को, यूनिवर्सल एक्सेस देता है पब्लिक सर्विसेज जो फूड न्यूट्रिशन सैनिटेशन हाइजीन पे होता है, और पब्लिक हेल्थ केयर पे देखता है वुमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की जो उसकी प्रोग्राम है वो भी बात करता है। लास्ट पॉइंट है इसका, ये प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को। फीचर्स की बात कर लेते हैं NHM की। ये एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो फाइनेंस और सपोर्ट
करता है स्टेट्स को और स्ट्रेंथन करता है हेल्थ सेक्टर्स को और यहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी को। सेंट्रल स्टेट की फंडिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 60-40 रहता है हर स्टेट के लिए, और ये फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2016 का है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और जो हिली स्टेट्स है जैसे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड, उनके लिए 90-10 होगा, मतलब 90 सेंटर करेगी और 10 स्टेट करेगी। फंडिंग होती है स्टेट की बेस पे रहती है, यहाँ पे स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान PIP। इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं, पहला है आशा एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट, सेकेंड है मेनस्ट्रीमिंग आयुष जो आपको पता ही है आयुर्वेदिक, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉलेज सेंटर होगा, फोर्थ है फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस सर्विस, फिफ्थ है RMNCH पॉजिटिव है, ये है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जनानी सुरक्षा योजना, ये सारे इसमें आते हैं। दो सब स्कीम्स हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। स्टेट जो शो करते हैं इम्प्रूव प्रोग्रेस जो कि आउटकम्स पे रहते हैं, यहाँ पे IMR, MMR, इम्यूनाइजेशन, बड़े सारे क्वालिटी सर्टिफाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ आती हैं यहाँ पे, आपका ये रिसीव कर सकते हैं एडिशनल फंड एज इंसेंटिव। इवन जो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है इम्प्लीमेंट होता है NHM के अंडर, यहाँ पे प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन वैक्सीन स्टॉक्स फ्लोस पे और स्टोरेज टेम्परेचर जो अक्रॉस आता है और कोल्ड चेन पॉइंट्स कंट्री में। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूज़ है वो हम आगे बात करेंगे, ये लास्ट पॉइंट है। इवन कंबाइन करता है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स और इनेबल करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टॉक्स का, स्टोरेज और यहाँ पे स्टोरेज होती है टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन जो मल्टीपल लोकेशन पर रखी जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 18.1.3 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पहला है पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में कि प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ टू रूरल पॉपुलेशन जो वनरेबल ग्रुप्स है, फुली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पे इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस होते हैं हर लेवल पे, इंश्योर करता है साइमल्टेनियस एक्शन जो वाइड रेंज पे रहता है, डिटरमिन करता है हेल्थ जैसे वाटर सैनिटेशन एजुकेशन न्यूट्रिशन सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स में आपका 2005 की स्कीम है, फोकस करती है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू एंड के और हिमाचल प्रदेश पे भी देखते हैं। सेंटर और स्टेट की जो फंडिंग है वो 60-40 ही होती है जो हर स्टेट्स के लिए होती है, यहाँ पे वही हिसाब है जितने भी स्टेट्स हैं 90-20 जो स्पेसिफिकली होता है हिली स्टेशन या आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, बाकी 60-40 रहता है। थ्रस्ट जो है मिशन का वो है कि इस्टेब्लिश करें फुली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम जो कि इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस के साथ हो और साइमल्टेनियसली बड़े सारे इशू पर देखता है। इनिशिएटिव क्या है इसके अंडर, आशा है, जनानी सुरक्षा योजना है, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है JSSK, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, मदर चाइल्ड हेल्थ विंग MCH और फ्री ड्रग जो हमने उस बॉक्स में देखा था इससे पहले वाला उस पर आप देख सकते हो, सिटीज़ और टाउन्स जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है वो कंटिन्यू होंगे इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये अर्बन है, इससे पहले रूरल हमने देखा तो उसका भी मोस्टली ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा बट अर्बन आ जाएगा, तो ये अर्बन पॉपुलेशन को देखती है, अर्बन पुअर स्लम ड्वेलर्स को और अवेलेबल करती है एसेंशियल फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनका पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करती है
सब्सिडरी देख के कवर करती है जितने भी स्टेट कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है, सिटीज टाउन्स है जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है। यहाँ पे सिटी स्पेसिफिक अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, पार्टनरशिप है यहाँ पर लोकल बॉडीज़ और एनजीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान है, सेंट्रल स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न है 60-40 है सेम है, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न का 90-10। जो प्रोग्राम में सपोर्ट होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर फंडिंग थोड़ी बड़ी हो रही है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आती है। और यहाँ पे सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ केयर और बड़े सारे हॉस्पिटल्स और आउटरीच सर्विसेज। कम्युनिटी प्रोसेस जो है ये महिला आरोग्य समिति और आशा लिंक्ड वर्कर के लिए भी होती है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जनानी सुरक्षा योजना, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये रिड्यूस करता है मैटरनल इन्फेंट मोर्टैलिटी, ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है। बेनिफिशरी क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, न्यू बॉर्न बेबीज़ है, न्यू नेट्स। GSY 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यहाँ पे कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर पे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन जिनको ये मिलेगा इरिस्पेक्टिव क्या उनकी एज है, मदर की नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, उनको ये मिलेगा सरकार की तरफ से। BPL प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेफर कर देंगे डिलीवरी एट होम और उनको 100 रुपये पर डिलीवरी मिलेगा, मतलब कैश जो असिस्टेंट करेगा पर डिलीवरी रिगार्डलेस किया गया उनका एज है प्रेग्नेंट वुमेन की और नंबर ऑफ चाइल्ड कितने। इसके अलावा यहाँ पे फोकस करा जाता है पुअर प्रेग्नेंट वुमेन जो हर स्टेट्स में है, स्पेशल डिस्पेंशन देता है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स का और यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है जितने भी वुमेन हेल्थ वॉलंटियर्स है जैसे आशा जिसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन के अंडर। ये बहुत ही ज़्यादा लंबी न्यूज़ हो सकती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मिटिगेट करती है प्रॉब्लम्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, जहाँ पे प्रिवेंट करती है इंस्टीट्यूशनल अटेंडेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रोवाइड करती है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रेग्नेंट वुमेन नियोनेट्स। बेनिफिशरी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है जो एक्सेस कर सकती है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज डिलीवरी के लिए। फीचर्स की बात करो जीरो एक्सपेंस डिलीवरी है, प्रेग्नेंट वुमेन है जो इंटेंडेड है फ्री ड्रग्स के लिए कंज्यूमेबल, फ्री डायग्नोस, फ्री ब्लड जब भी रिक्वायर्ड हो, फ्री डाइट 3 दिन के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 7 डेज होगा फॉर आपका सी सेक्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, और सिमिलर इंटाइटलमेंट है जितने भी सिक न्यू बॉर्न इन्फेंट्स है। फ्री ट्रांसपोर्ट है होम से और सप्लीमेंट करते हैं कैश असिस्टेंट आता है जनानी सुरक्षा योजना से और नो कंपोनेंट होता है फॉर कैश असिस्टेंट विद इन इटसेल्फ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृता अभियान, ये अगेन इसका ऑब्जेक्टिव सेम है जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। जितने भी प्रेगनेंट वुमेन है जो सेकेंड या थर्ड ट्राई सेमेस्टर्स पर आ रही हैं प्रेगनेंसी के, फीचर्स क्या है कि फिक्स डे अश्योरेंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली प्रोवाइड करते हैं जितने भी प्रेगनेंट वुमेन्स है 9th ऑफ एवरी मंथ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है अभियान का कि ये आइडेंटिफाई करता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, बस ये एक लैंडमार्क चीज़ है इसकी, बहुत ही डिस्टिंग्विश चीज़ है। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल या डॉक्टर जो है इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की, और ये स्कीम अवेलेबल है अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देता है जितने हुए चिल्ड्रन से अक्रॉस द कंट्री, प्रोटेक्ट करता है उनको 12 वैक्सीन प्रिवेंशल डिजीज से, रैपिडली इंक्रीज करता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कवरेज, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम है जो हेल्थ फैसिलिटी पे करता है, अचीव करता है सेल्फ सफिशिएंसी वैक्सीन प्रोडक्शन पे, स्ट्रेंथन करता है मेंटेन करता है रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो आपके वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज के लिए होते हैं और एडवर्स
इवेंट्स जैसे इम्यूनाइजेशन होता है, इंट्रोड्यूस करता है, यूज़ करता है न्यू और अंडरलाइन वैक्सीन टेक्नोलॉजी UIIP में। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव हैं, फीचर्स हैं, वो हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। फीचर्स हैं 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लॉन्च हुआ था 1985 में, बहुत पुराना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वर्ल्ड में और मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है कंट्री में। इस स्कीम के अंडर यहाँ पे फ्री वैक्सीन देगी अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, TB और बड़े सारे टेटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, नमोनिया और पता नहीं जो बड़ी सारी डिजीज़ हैं। यहाँ पे हर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और उसमें रोटा वायरस हो गया। वैक्सीन जो प्रोवाइड होगी इस UIP के अंडर, एक तो है BCG की बैलिसियस कैलमेट गुरिन वैक्सीन जो इन्फेंट्स को दी जाती है टू क्योर देम फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, TB का होता है जो हर बच्चे को लगता है। आपने देखा होगा आपके जो आर्म्स है उसमें एक अलग सा ही निशान रहता है वाइट कलर का, वो BCG की वजह से होता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस फॉर पोलियोमेलिट्स। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। वैलेंट वैक्सीन, ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को जिसकी एज बहुत टेंडर होती है, और ये 5 डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, टेटनेस, डायप्टीरिया और बड़े सारे इन्फ्लुएंजा वायरस। रोटा वायरस वैक्सीन, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल चिल्ड्रंस को और इन्फेंट्स को कि वो फाइट करें अगेंस्ट रोटा वायरस डायरिया। ये सिलेक्टेड स्टेट्स पर होता है। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस को अगेंस्ट डिजीज जो होती है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नोमोनियाई। FIPV नेक्स्ट है, ये फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमिलिथाइज वैक्सीन है, ये बूस्ट करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस पोलोमाइलिथिस। मीजल्स MR वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को मीजल से। कुछ फ्यू स्टेट जैसे मीजल्स और रोबेला एक कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है ताकि प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट है जापानीज एंसीफेलाइटिस वैक्सीन, JE वैक्सीन जो है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है जहाँ पे एंडेमिक होता है इसका। DPT बूस्टर एक कंबाइंड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को डायप्टीरिया से और टेटनेस और पर्टुसिस से, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। टेटनेस और TD वैक्सीन है, TT वैक्सीन जो लगती है रिप्लेस करते हैं TD से, TD वैक्सीन, और ये UIP में लगता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ताकि वो लिमिट करे वेनिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट इस डायटेरिया ओल्डर एज ग्रुप्स में। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्सन को इम्यून कर सकता है टू इन्फेक्शियस डिजीज, और ये टिपिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वैक्सीन्स का। वैक्सीन सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करती है बॉडी में एक अपना ही इम्यून सिस्टम जो प्रोटेक्ट करती है पर्सन को कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज से। जैसे कोरोना वायरस भी बहुत बड़ा एक वायरस है जिसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि अच्छी वैक्सीन निकले जल्दी से। ऑल द मार्केट में अवेलेबल है, वो सब लगवा ही रहे हैं, पर अभी भी और शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं ताकि एक ऐसी वैक्सीन मिल जाए जो मतलब क्योंकि इसके भी वेरिएंट निकल रहे हैं तो टैकल कर ले, ऐसी वैक्सीन बन जाए तो बहुत बढ़िया है। मिशन इंद्रधनुष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसकी आखिरी स्कीम है इस न्यूज़ की। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये इम्यूनाइजेशन की बात करता है जहाँ अवेलेबल वैक्सीन हो अंडर UIP जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें चिल्ड्रंस के लिए आते हैं अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज और प्रेग्नेंट वुमेंस की आती है। फोकस करा जाता है यहाँ पे पॉकेट ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज, हार्ड टू रीच एरिया जहाँ पे प्रोपोर्शन अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन जिनने अपना अनकवर्ड रखा है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है वो उसके अंडर है। फीचर्स की बात करें 2014 में आया था ये, स्ट्रेंथन करता है, री एनर्जाइज करता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वैक्सीन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट,
गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है 201 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट जो 28 स्टेट्स में है, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्शियलिटी इम्यूनाइज्ड और यूनिम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 फेजेस है एडमिशन इन दरूश के, जो कंप्लीट करा है 554 डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, बड़ी स्कीम है, WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल से मिलती है। कैंपेन भी है कैचअप कैंपेन मोड, जो कि कवर करती है चिल्ड्रन जिन्हें लेफ्ट आउट करा है, मिस करा है इम्यूनाइजेशन को। इंटेंसिफाई करती है मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम को। 2017 में ये आया था, जो रीच आउट करते हैं हर बच्चे को जिसकी एज 2 साल तक है, और प्रेग्नेंट वुमेंस की जिनका रह गया है UIP। IMI 2.0 ये लॉन्च हुआ था 2 साल बाद 2019 में, इंश्योर करता है जिन बच्चों को नहीं मिल पाया उनको मिल जाए और जिन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं मिला। 3.0 इस साल का है, फरवरी 2021 का। इसका टारगेट है 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवर हो डिस्ट्रिक्ट में, और ये सस्टेनिंग करे कवरेज इस प्रोग्राम के थ्रू। फोकस यही है कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन जो मिस कर गए वैक्सीन डोजेस COVID-19 पैंडेमिक में, उनको मिल जाए। बेनिफिशरीज जो माइग्रेशन एरियाज है उनको भी टारगेट करा है, और डिस्ट्रिक्ट जिसमें लो रिस्क है उनको भी देखा है, मीडियम रिस्क को भी और हाई रिस्क को भी। फेज 1 में MI ने वैक्सीनेट करा है 37.64 मिलियन चिल्ड्रंस को और 9.46 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेंस को। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC राइजेस विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।